शासकीय काम में दखलअंदाजी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ शांतिनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक गणेश यादव ने अधिक जानकारी साझा की है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को मानेवाड़ा दीवान लेआउट प्लॉट नंबर 21 निवासी फरियादी सचिन महले ये अपने सह कर्मचारियों महेंद्र तिड़के, अमोल शेंडे, नीलम रामटेके, कुणाल भीलकर के साथ सैयद सजाद अली, मुजफ्फर अली इनके यहाँ इलेक्ट्रिक बिल न देने से शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले हुसैन मेंशन अपार्टमेंट कश्यप कॉलोनी महेश नगर यह गए थे। उस दरमियान उन्होंने फोन पर बात कर फरियादी ने उनके घर बिजली कनेक्शन खंडित किया। कुछ देर बाद सैयद अली इन्होंने एक व्यक्ति के पास बिजली बिल के पैसे भेजे और बिजली कनेक्शन फिर से शुरू करने के लिए कहा, जिसके बाद फरियादी ने बिजली कनेक्शन फिर से शुरू कर दिया। हालांकि जब फरियादी वहां से घर जा रहे थे तब आरोपी जिशान मुसानी ये वहां आया और फरियादी और उनके सहकर्मियों के साथ गाली गलौज करने लगा, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक गणेश यादव ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस स्टेशन शांतिनगर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। काल सचिन महल्ले सहायक अभियंता आहेत बिनाकी परिक्षेत्रातले, तर ते एका वीज वसुली थकबाकी वसुली करण्याकरता कश्यप कॉलनी येथील जिशान मुसानी यांच्या घरी गेले असता जिशान मुसानी यांनी त्या अभियंता आणि त्यांची जी सरकारी टीम होती त्यांना शिवीगाळ केली आणि जीव मारण्याची धमकी दिलेली आहे। त्या संदर्भात शांतिनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे। आरोपीला देखील पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।